राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिला की एटीएस पुलिस टीम ने एक वाहन चोर गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की हुई 3 कार व 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी का नाम संजीव उर्फ गंजा बताया जा रहा है, जो कि इलाके का बीसी है और जनवरी 2021 में जमानत के बाद से गायब था। पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिला पुलिस की एटीएस टीम को सूचना मिली कि सीमापुरी का घोषित अपराधी, जो कि जेल से जमानत पर छूटने के बाद गायब है और वाहन चोर गैंग चला रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि वाहन चोर गैंग का सरगना संजीव उर्फ गंजा कुछ समय पहले मेरठ में देखा गया है और दिल्ली में चोरी की हुई कार को बेचने के लिए आने वाला है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर सीमापुरी इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद एक बलेनो कार, जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, सीमापुरी गोल चक्कर की तरफ से आ रही है। पुलिस ने चेकिंग के लिए ड्राइवर को रोकना चाहा तो ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसको दबोच लिया, जिसके बाद जांच की तो पता चला कि कार में मौजूद शख्स फरार घोषित अपराधी संजीव उर्फ गंजा है। पुलिस ने संजीव उर्फ गंजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला वह मेरठ में रहकर दिल्ली से वाहन चोरी का काम चला रहा है। पुलिस को उसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व बरामद की गई 3 गाड़ियां भरतनगर, स्वरूपनगर और मुखर्जी नगर से चुराई गई थी, जिसमें एक बलेनो, एक इनोवा कार और एक होंडा सिटी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक संजीव उर्फ गंजा वाहन चोर गैंग का सरगना है और कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटा है, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था और चोरी, स्नैचिंग और रॉबरी के लगभग 40 से भी ज्यादा वारदातों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने संजीव उर्फ गंजा को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है। संजीव उर्फ गंजा के गैंग में और कितने सदस्य सक्रिय है और कितनी गाड़ियां चुराई गई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।